तो पीछे से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई औरत खड़ी है यहाँ पे। आंटी जी ठीक है, राम राम सौरभ जोशी भैया। तो कहा भैया, दुनिया का सारा पैसा तू ही बटोर रहे है का? अरे यूट्यूब से जितना पैसा होता है वो कम पड़ के बका जो जात है आदिवासी लोगों के पास तेल बेचे। अरे कुछ पैसा हमने सुनकर छोड़ दा, काहे हर जगह हाथ मारे पे लगाया, यहाँ से बटोले हुआ से बटोले तू ही हलोर लेता। अरे भैया रहम कर, हमने सुन में थोड़ा रहम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो छिपकली के टांग जैसे बाल लिए, चारों तरफ कानों में चिपके हुए नोबिता का चश्मा लगाए के बिकॉज आज हम जा रहे हैं कर्नाटक के घने जंगलों में रहने वाली हक्की पिक्की कम्युनिटी से मिलने। हक्के पीली कम्युनिटी, वो हक्की पक्की बोल रहा है, हक्की पक्की बोल रहा है। वुमेन पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। तो हमको लगा कि हम भी जाते हैं और पता करके आते हैं, आप लोगों को बताते हैं। हम भी जाते हैं कि बलाया गया है वो पूरा टिकट रुपया के साथ। चलते हैं, हमको जाना है जंगलों के बिल्कुल अंदर गांव है वहाँ पे। अरे पहले जो नी छिपकली पंजा इसे छापे यहाँ अपने बारे का वो का घरे धरे उतरे तब जाते है कहूँ भाई। तो नहीं ना लगा भाई, इसे इसे पता न का करे रात बाल का सारे। रुके यहाँ पे कॉफी पीने के लिए, रात को अच्छे सोया नहीं ना तो नींद जैसी आ रही है। भांग का गोला खा लिया था क्या कि ऑरेंज वाली मार लिया था तो नींद जैसी आ रही है? नींद जैसी तो नशा ही आता है, सीधा बोलना नींद आ रही है। तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ एक। तो हमारी कॉफी आ गई है मस्त। तो ये क्या है? ये गरियावत बात है। हाँ इसे लगा दो, खोल दरवाजा। ये कौन है? ईला भैया पूछा था, ऐसे हैं जैसे इनका पता ही नहीं कि वो कौन हुए। अरे हम बतावा थे, वो फिल्म के सुपर स्टार हुए। एक देखो मन अक्षय कुमार बा, एक शाहरुख खान बा, अब भोजपुरी फिल्म का खेसरिया बा, पवनो सिंह बा। देखा 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 ध्यान से सारा ऊ के हैया धरू। तू पिछले वीडियो जो अपने मम्मी साथ गए रहा है तब तो कहा था हाँ स्वागत करे है, स्वागत करे सब है, तो तू का समझ में आया रहा है कि बीच खोपड़वा कितना जान जान अनजान बना था। तो का एक बात बताई, जो नोबिता बना चश्मा लगाए हुए देखे में बस स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन रियल में बड़ा हरामी टाइप का। ये कहा था कि हम जाते हैं जंगलों में घूमे देखे आदिवासी हेयर ऑयल, लेकिन असली में जात बस सलाई का बुलावा गए भाई स्पॉन्सरशिप पैसा जीते। अरे हाउ देखा हो नोरा फतेह खड़ी है छाता लेके ना, चलो टॉयलेट जाए भाई। सुसु लगी थी बहुत तेज की, पता नहीं अंदर मिले ना मेरे टॉयलेट। अरे भैया मूत क्या है तो पहले दिखाई देता कैमरा में कि कैसे मूता थे, स्पीड काम रही मूते के। सर आपके साथ एक सोलो चाहिए। भाई मतलब यहाँ जंगल में भी लोग हमको मिल रहे हैं, यहाँ भी लोग हमको देखते हैं भाई, इतनी दूर हम आए कर्नाटक में। तो जंगल के तो कुछ ना हुआ, हमें लगा था मैं जो उनके जंगल जाना थे ओहू में जो उन्हें आदिवासी रात हुई जो करिया करिया एकदम वो देखा था हमें लगा था। तू क्या कही हो, स्वागत करिए तो हाथ में। पहुँच चुके हैं आदिवासी गाँव में जहाँ बनता है रियल आदिवासी ऑयल। वीरों कबीर महाराज सौरभ जोशी बधा रहे हैं डडम 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 डडम। अबे साले फूकी हुई सिगरेट वहां तेरे फूफा का बारात नहीं निकाला जो डांस करा डिग 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 डिग। और इनका चच्चा जी का देखा, इससे लगा था हाथ जाक ना मिलेंगे, सीधा बारो ऐसे करनी है कि बार कहा हेलो। अभी हक्की पिक्की कम्युनिटी के सबके बाल देखो भाई, क्या नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है। हमें लागत भाई जितने के खड़ी करे बा ना सबका किराए पे रखे बा, इंडिया में देखे बा सबसे बड़ा बड़ा बाल जेका जेका बा उका उका बुलाए बा किराए पे पैसा पे, ताकि हमार तेल और ऑयल खूब खूब प्रचार हो, सब ओरिजिनल समझ के खरीदे। सर आपका शुभ नाम? राजीव। अरे अंकल जी आप अपना नाम राजवंशी रख लेते, लेडीज का ही नाम रख लेते। तो इन बालों का राज बताइएगा? ये एक साल का बाल साहब, दो बटन लगाए तो बस। अबे साले मेरी बहू नारियल का तेल लगाती है और अपना बाल खोल देना तो पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाए। दो बोतल लगाए तो बस, और लगाने बस दो बोतल। और यहाँ और ये चाचा जो है अखियों से गोली मारकर रबीना टंटन जैसे लहरावत चलते रही ना, हिरने जैसे बाल वैसे लागत है। यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं,
सभी इसी कम्युनिटी के लोग हैं। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है अभी अभी करेंगे। और गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास में टोटल 108 जड़ी बूटियाँ हैं। 108 जड़ी बूटियाँ दिख रही है तेरे को, लेकिन उसमें से है 5-6 ही असली जड़ी बूटियाँ, बाकी सारे कुछ का पत्ते, कहीं का जड़, कहीं का लकड़ी, कहीं का कुछ तो कहीं का कुछ। भैया हमारे यहाँ जंगल में है यार, कोनो जानवर मारते हैं वहां ही, सबका जूस निकाल के वही तेल बना देते हैं। ओहो कबो ना लगावे वाला भाई, आप खुद जंगल से लेके आते हो सब कुछ? कंकाल ही लागत बताई, झाइती फूके भूत उतारे वाली जान लागत पाती होत बस जा रहा है। अरे वो मुड़ी हड्डी वो खोपड़ी रहो। ओम भट स्वाहा। हमारा एक साल का बाल है ये, एक साल का गाइस देख लो। ओकरे पहले चाची तू टकली वकली रहू का, जो एक साल में तार बार जामी गे, ओकरे पहले तू गंजी रहू। एक मतलब आकाश बेर ओके। ये बलमुरी है, बलमुरी वो बोले सी केसर है, केसर हाँ केसर, अलवेरा बोल रही है ना। देखना भाई भाई चीज बताएंगे जो आप लोगों को खुद भी पता होगा कि हाँ आमला, केसर, प्याज और ये क्या बोलते हैं एलोवेरा, यही सब बताएंगे। 4-5 ही चीज बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे। मुझे पता है ना, पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के सारे जड़ वड़ रख रहे, लकड़ी वकड़ी काट के। अपना आंवला होता है, आंवला और छोटा गुलाब का फूल होता है जंगल का, और प्याज होता है, प्याज छोटा वाला प्याज जंगल का, छोटा वाला प्याज। भैया इतना तो बच्चा पैदा होता है उसको भी पता होता है एलोवेरा, केसर, प्याज और क्या बोलती है गुलाबी फूल आंवला, ये सब पता। ये कोई जड़ी बूटी है? हाँ, प्याज है, उसको भी डाल के बनाते हैं। तो सारी जड़ी बूटी जाती है इसके अंदर? हाँ, पूरा 108 जड़ी बूटी डालते हैं, 108 जड़ी बूटी इसमें डाल के। बाप रे 108 जड़ी बूटी है, लेकिन बताया ठीक से 10 भी नहीं, कि 10 जड़ी बूटी का नाम ठीक से बता दे, वो भी ठीक से नहीं बताया है। इसको पका के निकाल के उसको बोतल भर के उधर साले देखे में लागत बा हमारे नाली का कचड़ा हुआ। गाइस यहाँ पे ना दो तरह की जड़ी बूटियां हैं, ये तो सूखी जड़ी बूटियां और उधर हरी वाली जड़ी बूटियां। और गाइस जो ये प्याज है ना, ये जंगली प्याज, देखो छोटा वाला जंगली प्याज। खेत में छोट प्याज हो भाई ना कर, कहा सस्ती प्याज डाले हैं छठी। अबे सारे सब झोली झटोरी है, झोली झटोरी कुछ ना, सब फेक है, फेकुआ है। आपके एक साल के, आपके 3 महीने के, आपके 2 महीने, आपके 2 महीने का। ये सब पहले गंजी रही हैं, अभी 1 साल के 2 साल के बाद इनका बाल बढ़ा हुआ। आपके गाइस पीयूष को डाउट हो रहा है, पीयूष कह रहा है कि ये विग हो सकती है, इतने बड़े कहाँ होते हैं। एक बार टेस्ट करा दो यार, टेस्ट कर लो गाइस, ये देखो खींच कर। यार ऐसे उखाड़ के दिखाने से क्या पता चलेगा इसका मजबूत बात है, किसी ट्रक में बांध और खींच के दिखा ट्रक को। 1 मिनट, इनके गारंटी सबसे पहले जानता कौ रहा था कि बाल लंबा करे, झड़प बंद होए और बाल सफेद न रहे एक को, लेकिन इनके देखा तंची करीब से देखा होता है, सफेद सफेद बरवा ना देखा बा। अरे सारे कितना चूतिया बना होता है तो इसका। देख टेस्ट, खुद ही टेस्ट कर ले। हैं? रियल, ये देखो गाइस, देखो एकदम स्ट्रॉन्ग और रियल हेयर है, ये मैं सुन रहा हूं विग है। टेस्ट नहीं करता ऐसे, मजा नहीं आ रहा, बाल पकड़ के धाई के चाय के घुमाई पूरा एकदम धाई के, तब पता चले हाँ मजबूत बाल बा। देखो पीछे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई औरत खड़ी है यहाँ पे। आंटी जी कपड़ो तो ऐसे पहना है चाचा, वही बनते हुए औरत है, औरत लगी है। मस्त लगा थे अंकल जी, एकदम झकास लगा थे। जो बालवा बना तो और बड़ा कर, और तेल लगा के इतना बड़ा कर दिया, साड़ी बना के पहन ली है। आ चुके हैं आदिवासी ऑयल के ऑफिस में, ऑफिस ना ही तो साला गोदाम लगा था आपका। साथ ही में इन्होंने हमारे लिए एक तगड़ा ऑफर निकाला है, जहाँ पे हमारे कूपन कोड जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे तो स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इस नंबर से ऑर्डर करोगे। और ये नंबर यार भैया तो कितना निके निके कर रहे हैं, बहुत बेकार शब्द मुंह में आवत बा, लेकिन येलो डॉलर के मारा बेचारा कुछ ना कह पावत। जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको इसी नंबर से ऑर्डर करना है। आपको ये वीडियो सिर्फ मेरे अकाउंट से दिख रही है ना। अब पिछवा सबके काम बस ये है रहा था, इसे मुड़ी लटकाए खड़ी रही है, पता ही ना चला तो मना ही हुआ कि पिचासनी। वहीं से ऑर्डर करना है, कहीं और पे अगर आपको फेसबुक पे या फिर कहीं भी दिख रही है तो वहाँ से मत करना, बिकॉज फेक भी आपके पास मिल सकता है। जो आप देखा कब से बकैती करता है, लेकिन पिछवा एडिशन हमको मचाल बाकी तनिको हिल जाये हैं। तो चलो भैया बकैती है खत्म कर जा, और हेयर ऑयल के कोनो को आदिवासी दादी दासी के चक्कर में ना पड़ा, ना तो बर्बाद हो जाए बेफालतू में पैसा, तो हजार मेहनत से पैसा कमाते हैं। अच्छा करे बट तो सुन तो शुद्ध नारियल का तेल लगावा बस। देखा नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये सब मस्त, और बाबू का सरसों का तेल का कमाल है। तो चलो वीडियो का यहीं पे एंड कर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मजेदार और कॉमेडी वीडियो।